नन्हे मुन्ने बच्चों को एकता भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य को लेकर आज सोलन के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा नर्सरी से तीसरी क्लास तक के बच्चों को गुरुद्वारा साहिब सपरून के दर्शन करवाए गए। स्कूल के 100 के करीब नन्हे मुन्ने बच्चों ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाया और गुरुद्वारा साहिब के मर्यादा एवं सिख इतिहास के बारे में जाना। स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी धर्मों का सम्मान व आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी गुरदीप सिंह ने कीर्तन गायन कर बच्चों को गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा, सिख इतिहास एवं लंगर के बारे में बताया। स्कूल से आई इस ट्रिप के संयोजक राजेंद्र कौर ने बताया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इनके दिल में किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता। स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल की तरफ से सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर बच्चों को ले जाया जाता है ताकि बच्चों में सभी धर्मों के प्रति सम्मान एवं एकता की भावना को जागृत किया जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों ने आज गुरुद्वारा साहिब सपरून में आकर सिख धर्म के बारे में जाना। आज हम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल से स्टाफ अपने छोटे छोटे बच्चों को प्री नर्सरी से सेकंड तक के बच्चों को लेकर सपरून गुरुद्वारा सिंह सभा में आए हैं। हमारा आज का ये एज एक्टिविटी थी कि हमने बच्चों को बच्चे प्लेस में लाना था और उनको बताना था कि हमारे क्या कस्टम्स हैं, क्या डिसिप्लिन हैं और ये हमारी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। बच्चों ने आज यहाँ आके सीखा कि हमें कैसे गुरुद्वारा साहब में से थक के आना है, कैसे माथा टेकना है। उन्होंने कीर्तन सर्वन किया, उन्होंने बहुत ही प्रेम से फिर अरदास में शामिल हुए, उन्होंने अपने प्रसाद ग्रहण किया। बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ आके। जैसे कि हमारे स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सभी धर्मों के बच्चों को एक दूसरों के धर्मों का ज़्यादा कस्टम्स का पता नहीं होता, इसलिए भी ये हमने एक्टिविटी इस बार अरेंज करी है कि हम अलग अलग जगह पर अपने बच्चों को लेके जाएंगे ताकि उनको पता रहे कि हमारे यहाँ के इंडिया के जो रूल्स हैं, जो भी हमारे रिलीजन्स हैं, उनको हम कैसे फॉलो करते हैं और इनका हमारी लाइफ में क्या डिसिप्लिन है और क्या महत्व है। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.